एनएसए डोभाल से मिलकर क्यों बदला यूएई के राष्ट्रपति के चेहरे का रंग, जाने इशारा कर पीएम मोदी से क्या बोले। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति का मंगलवार को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनसे पीएम मोदी के अलावा कई नौकर शाह मिले हैं। जासूसी की दुनिया में जेम्स बॉन्ड की तरह देशवासियों के दिलों पर राज करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के किस्से तो आपने खूब सुने होंगे। इस बीच मंगलवार 9 जनवरी को गुजरात के अहमदाबाद में जब पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद दीन जायज अल नाहयान के साथ रोड शो किया, तब एक ऐसी तस्वीरें सामने आईं जो डोभाल की वैश्विक प्रसिद्धि की गवाह थीं। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। उनकी अगवानी के लिए पीएम मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य अधिकारियों के अलावा एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इस स्वागत का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें भारत के कई अधिकारियों के साथ यूएई के राष्ट्रपति मिल रहे हैं, लेकिन जब वो अजीत डोभाल से मिलते हैं तो उनके चेहरे पर अलग अलग तरह की खुशी झलकने लगती है। डोभाल की तरफ उंगलियों से इशारा कर पीएम से कुछ कहते हैं यूएई के राष्ट्रपति। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे कि अजीत डोभाल यूएई के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते हैं वो खुश हो जाते हैं। उनकी तरफ उंगलियों से इशारा कर यूएई के राष्ट्रपति पीएम मोदी से कुछ कहते हैं और बहुत खुश नजर आते हैं। अन्य अधिकारियों से मुलाकात तो शिष्टाचार रहती है और हाथ मिलाकर अधिकारी आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही डोभाल पहुंचते हैं यूएई के राष्ट्रपति उनसे बात करने लगते हैं। वो खुशी से कई सारे इशारे करते हैं जिससे यूं लगता है कि जैसे वो डोभाल की तारीफों के पुल बांध रहे हों। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। पीएम मोदी के साथ किया रोड शो। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन से पहले मंगलवार को रोड शो किया। इससे पहले मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर स्वागत किया। यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यूएई के राष्ट्रपति को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद दोनों नेताओं ने हवाई अड्डे से 3 किलोमीटर के रास्ते पर रोड शो किया। दोनों नेताओं के रोड शो के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और पूरे रास्ते में सड़क के दोनों ओर कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई।